निकाल के खा गए। लॉकडाउन में मिट्टी के बर्तनों का कारोबार पूरी तरह बंद होने के बाद फिर एक बार अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने की उम्मीद में कुम्हार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन में काम ठप होने के बाद कुम्हारों की आर्थिक स्थिति खराब हो चली थी। उन्हें उम्मीद थी दुर्गा पूजा के अवसर पर विभिन्न मूर्तियां बनाने से उनका व्यवसाय एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सरकार की ओर से गाइडलाइन आने के बाद दुर्गा पूजा भी फीकी रही, जिस कारण कुम्हारों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी थी। अब दीपोत्सव नजदीक देखकर कुम्हार एक बार फिर आशान्वित हैं और दिए बनाने में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है दीपावली में मिट्टी के दियों का जो है कारोबार बढ़ेगा और वो कुछ कमाई कर लेंगे। खास रौनक क्या है, हम लोग को अब सुविधा मिल रही है, जैसे कि कोरोना मामला चल रहा था, मिट्टी वगैरह हम लोग को मिल नहीं पा रही है और असुविधा मिट्टी के कारण। सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी जब रहेगी हमारे पास तभी हम काम कर पाएंगे। पिछले साल तो हम बहुत तरक्की किए थे दिवाली बनाने में, इस वर्ष तो हमारा बहुत नुकसान हो गया है। लगभग कितनी दिया तैयार हो जाती है? 10-12 हज़ार इस समय हमारे पास दिवाली है बस। जैसे चाइना के बहिष्कार में यही है कि जब वो लोग हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देते हैं तो क्या करें, हम मिट्टी वाला काम फिर बंद कर देते हैं, और जब हमारा माल बिकेगा तो हम चाइना वालों को नहीं आने देंगे, हम बढ़ाएंगे अपना काम मिट्टी वाला दिया। संदेश यही है कि हमारा जो चाइना वाला मामला है पहले उसको बंद करा दें तो हम अपना काम करेंगे। कुम्हारों को, प्रजापति समाज के लोगों को गांव में भूमि के पट्टे देने का काम किया था जिससे वो मिट्टी प्राप्त कर सके। निषादों को मत्स्य खेट के पट्टे देने का काम किया था। अगर इस सरकार की नीयत साफ है तो इसको चाहिए कि वो पुनः उस व्यवस्था को लागू करे, पारदर्शी ढंग से लागू करे, कहीं भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं उनको पट्टे दिलाया जाना सुनिश्चित करे। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कुम्हार समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, ये जो हस्तशिल्पी हैं, ये जो कुछ भी अपना उत्पाद तैयार करते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, उसको उचित मूल्य पर खरीदारी करके सरकार को जनता के बीच में बिकवाना चाहिए। अगर सरकार हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना चाहती है तो उसके लिए उचित बाजार मिलना चाहिए, उनको उचित संसाधन मिलने चाहिए।